नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। गोपालगंज में प्रशांत किशोर ने जन सुराज पद यात्रा के तहत लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने पीएम आवास योजना में कैसे और कितना घूस देना पड़ रहा है, इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को 25 से 40 हजार तक रिश्वत देनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, रिश्वत देने के लिए लोन पर पैसे देने का उद्योग भी चलाया जा रहा है। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दोनों देशों के बीच डाक टिकटों का आदान प्रदान किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। विश्व में विभिन्न परिवर्तन के बावजूद हमारे संबंधों में स्थिरता रही है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे मित्र को देना चाहिए। इन्हें बुलाना हमारी विशेष मित्रता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे से फॉर्च्यूनर गाड़ी का ऑक्शन कराने का झांसा देकर 8 लाख से अधिक की ठगी का मामला सामने आया था। इस मामले का पता लगाने के लिए अब तकनीकी सेलेक्टिव हो गया है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि उनके देश ने 3 युद्धों से अपना सबक सीखा है और भारत के साथ शांति से रहना चाहते हैं। इसके कुछ दिनों बाद नई दिल्ली से शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण इस्लामाबाद को भेज दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से उनके पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को बैठक के लिए मई के पहले सप्ताह में गोवा आने का निमंत्रण भेजा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने जदयू के अंदर मचे घमासान के बीच बड़ा बयान दिया है। सुशील मोदी ने संकेत दिया है कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है, हालांकि इस पर फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। दुनिया में अब भी कोरोना अटैक की खबरें आ रही है। इस बीच ये सवाल उठने लगा है कि क्या भारत में कोरोना की चौथी खुराक की जरूरत पड़ेगी। इस सवाल पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में महामारी विज्ञान और संचारी रोगों के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रमन गंगा खेडकर ने कोरोना वायरस और उसके वेरियंट के बारे में मौजूदा सबूतों को देखते हुए कहा है कि फिलहाल भारत में कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के भागलपुर में शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर कई जगहों पर जमकर प्रदर्शन भी देखने को मिला है। फिल्म को लेकर भागलपुर में अलग अलग संगठनों के प्रदर्शन के बाद कड़ी सुरक्षा के साथ इसे सभी थिएटर में लगाया गया है। इसके पहले शो पूरी तरह से हाउसफुल हो गया है और फैंस के बीच मूवी को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने हाल ही के समय में बेरोजगारी और किसानों के संकट समेत कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने राजनीतिक बदलाव की अटकलों को जन्म दिया है। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव उनके कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की चर्चा होने लगी है। हालांकि उन्होंने कभी भी आधिकारिक रूप से बीजेपी छोड़ने के संकेत नहीं दिए और भाजपा ने भी कभी एक्शन की बात नहीं की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को इशारों में कहा कि जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा खुद ही भाजपा के संपर्क में जाना चाहता है, जिस कारण वे जदयू नेताओं को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कमजोर हुई है, कई जदयू नेता भाजपा के संपर्क में है, इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग खुद भाजपा के संपर्क में है वही ऐसी बातें करते हैं। दक्षिण भारत में धार्मिक स्थलों का सफर करना और भी आसान होने जा रहा है। रेल मंत्रालय जल्द ही पूरी भुवनेश्वर हावड़ा के बीच देश की नवी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को नई वंदे भारत ट्रेन को चेन्नई के इंट्रीगल कोच फैक्ट्री से निकालकर ट्रैक पर लाया गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम की। बता दें कि इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 386 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड टीम 295 रनों पर ही ढेर हो गई और भारत ने इस तरह 90 रनों से मैच जीतकर अपने नाम कर लिया। भारत के लिए उर्वरक निर्यात के मामले में मिस्र तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मिस्र से कच्चा तेल, उर्वरक, कॉटन और इन ऑर्गेनिक केमिकल समेत चमड़े और लोहे के उत्पादों को बड़ी मात्रा में मंगाया जाता है। दोनों देशों के बीच साल 1978 से द्विपक्षीय कारोबार समझौता लागू है। इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को खराब करने के आरोप में त्रिपुरा के एक सीनियर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की एक शिकायत के बाद दक्षिण त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गिट्टे किरण कुमार दिनकर राव के एक निर्देश के बाद मामले की जाँच की और मत्स्य विभाग के अधीक्षक अजॉय दास को सस्पेंड कर दिया क्योंकि वह कारण बताओ पत्र का उचित जवाब देने में विफल रहे। मोदी सरकार के पिछले 8 साल के कार्यकाल के दौरान गेहूं और धान की खरीद में काफी वृद्धि हुई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी में बढ़ोतरी और अन्य राज्यों से खरीद करने के कारण यह वृद्धि देखी जा रही है।
खाद्य मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए नोडल एजेंसी और भारतीय खाद्य निगम यानी FCI द्वारा अधिक मात्रा में गेहूं और धान की खरीद के कारण MSP के दायरे में आने वाले किसानों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बैंक में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को RBI ने बड़ी राहत दी है। RBI ने बैंकों के लिए ग्राहकों के साथ लॉकर के लिए एग्रीमेंट रिन्यू करने के डेडलाइन को 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले लॉकर धारकों को 1 जनवरी 2023 से पहले एग्रीमेंट रिन्यू करना था। अब RBI ने इसकी मियाद बढ़ाने का फैसला लिया है। अब बैंकों के साथ ग्राहक भी 31 दिसंबर तक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को राहत प्रदान कर दी है। अपनी डॉक्यूमेंट्री काली में प्रतीकात्मक रूप से देवी काली का अपमानजनक पोस्टर जारी करने वाली लीना के खिलाफ उत्तर भारत के कई राज्यों में FIR दर्ज करवाई गई थी। इन FIR के खिलाफ लीना सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्वयं इस मामले को देखा। लीना मामले में सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ होने वाली पुलिस कार्रवाई पर रोक तो लगाया ही, साथ ही आउटलुक नोटिस को भी निरस्त कर दिया। वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया है कि धरती का कोर अपने घूमने की दिशा में बदलाव कर सकता है, उससे पहले घुमाव रुक जाएगा। इसे लेकर नेचर जियोसाइंस के एक रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है। बता दें कि धरती के केंद्र का घुमाव उसके ऊपर के सरफेस को स्टेबल करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि करीब धरती के घुमाव में करीब 70 साल बाद बदलाव आता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि घुमाव के कुछ सेकेंड रुकने या दिशा बदलने से पृथ्वी पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काम की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने शेखावत की 11 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने की घोषणा पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के उस कार्य को महान उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि 11 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाना यह दर्शाता है कि देश भर में लोगों को पाइप से पानी की जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर कितना काम किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 901 पुलिस कर्मियों को मेडल्स और अवार्ड्स से नवाजा गया है। इनमें से 140 को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक, 93 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और 668 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। मीडिया ने राहुल गांधी से सवाल किया कि आखिर किन वजहों से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व नेता और आपके करीबी रहे गुलाम नबी आजाद को नहीं बुलाया गया, तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी के ज्यादातर लोग तो उनके साथ ही बैठे हुए हैं, उस तरफ सिर्फ गुलाम नबी आजाद ही बाकी रह गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह उनका काफी सम्मान करते हैं, अगर उन्होंने उनका किसी भी तरह से दिल दुखाया होगा तो वह गुलाम नबी आजाद से माफी मांगते हैं। भारतीय सेना ने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी समग्र निगरानी और युद्धक क्षमता को मजबूत करने के लिए 130 आधुनिक ड्रोन प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के साथ सेना सहायक उपकरणों के साथ 100 रोबोटिक म्यूल की प्रक्रिया भी शुरू कर रही है। अधिकारियों ने बीते दिनों यह जानकारी दी कि भारतीय सेना ने 48 जेट पैक सूट खरीदने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस जेट पैक सूट के कई फायदे हैं। बॉर्डर पर तैनात सैनिक जेट पैक सूट को पहनकर विषम परिस्थितियों में उड़ भी सकते हैं। टाइगर कैट मिसाइल को ब्रिटेन में बनाया गया था। यह सतह से हवा में मार करने वाली शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। आर्मी वर्जन को टाइगर कैट और नौसैनिक वर्जन को सी कैट कहते हैं। 68 किलो वजनी यह मिसाइल 1.48 मीटर लंबी होती है। यह अपने साथ 18 किलोग्राम का हथियार ले जा सकती है। इसकी रेंज आधा किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक है। इसकी गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल दुनिया भर के करीब 1.5 दर्जन देश इसके साथ ज्यादा वेरिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस की सेना को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेटी मिलने लगा है। यह एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो कि दुश्मन की लंबी दूरी के विमानों, जेट्स और मिसाइलों को सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के पास इससे पुराना वर्जन S-400 है, जिसे दिल्ली और मुंबई में तैनात किया गया है। लेकिन S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रूसी उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने 2 साल पहले कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भारत जैसे ग्राहकों के लिए हम मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट वर्जन भी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल सरकार ने 3 लोगों को जज नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि उसने उन 5 नामों पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, जिनकी सिफारिश कॉलेजियम ने दोबारा की थी। इससे अब दोनों के बीच एक नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। कॉलेजियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस के फैसले पर सवाल उठने लगा है। 11 जनवरी को एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक गलत मिसाल पेश की है।
देश की कोई संस्था अगर संविधान संशोधन को लेकर संसद की शक्ति पर सवाल उठाती है तो यह कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। कल केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन की उपस्थिति में परंपरागत हलवा समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसे बजट तैयार करने में शामिल अधिकारियों की लॉक इन प्रक्रिया से पहले किया जाता है। इसे बजट पूरा होने के सूचक के रूप में लिया जाता है। केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम चीन से अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं, जिनको और अमीर बना रहे हैं, जिन्हें हमारे पैसों से हथियार खरीद रही है और हमारे ऊपर हमला कर रहा है। हम वो चीजें खरीद रहे हैं जो भारत में भी आसानी से बन सकते हैं। हम अपने देश के बच्चों का रोजगार चीन को दे रहे हैं। कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एके एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी ने कांग्रेस पर असहिष्णुता का आरोप लगाते हुए अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनका कहना है कि देश में नफरत का माहौल है, जबकि उनकी ही पार्टी के नेता एके एंटनी के पुत्र अनिल के एंटनी के प्रति उनकी ही पार्टी में नफरत का माहौल है। बाबा धीरेन्द्र का बयान सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने रायपुर से छतरपुर जाते वक्त कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बयानों का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद भी उन्होंने छतरपुर पहुंचकर इस बयान पर अडिग रहते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज होने वाली हैं। वहीं 27 जनवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सामने आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में आज बारिश के साथ ओले गिरने के भी आसार हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अशरफी मंडल, प्रशांत, रवि शंकर, जीवनाथ मंडल, अर्पण कुमार, एमडी शाकिर हुसैन, महमूद अंसारी, नुन्नू गोलू कुमार, एमडी नौसाद रजा, राजा कुमार, संदीप कुमार, अनवर करीम खान, संजय चौधरी, दीपक कुमार, मनोज प्रसाद, जमशेद आजाद और एमडी रियाज अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और चीन के व्यापारिक संबंध पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।